बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे हाथ में रेडमी का मोबाइल है, रेडमी 9C। इस पर FRP लॉक लगा हुआ है। इसको मैंने हार्ड रीसेट किया था, तो अब ये जीमेल का अकाउंट मांग रहा है। तो सबसे पहले आपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपने आगे जाना है, यहाँ से स्किप कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर जाना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पर। तो वाईफाई का कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, ताकि जो ये प्रोसेस है जल्दी हो सके। तो यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है, ये 2 से 3 मिनट लेगा, लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूँगा, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रहा है अभी। तो यहाँ से आपने डोंट का भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है मोबाइल का कोड मांग रहा है, जो कि वो हमें नहीं पता। तो आपने यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ ऐड नेटवर्क पर क्लिक करके यहाँ कुछ भी लिख लेना है और उस पर लॉक प्रेस कर लेना है, और ये जो एरो का निशान आ रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपने जीमेल पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है। जो जीमेल का आइकन है उस पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन पर जाना है, फिर नीचे आना है, और यहाँ से एडिशनल सेटिंग में जाना है। तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है, फिर हेल्प पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ आपने सर्च बार में डिलीट और डिसेबल एप्स को सर्च कर लेना है। तो ये जो आपके पास पहला आ गया है, इस पर क्लिक कर लेना है, और फिर इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ क्रोम पर क्लिक करें और ओपन करें, इसके बाद नेक्स्ट करें, और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, VN ROM बाईपास। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुका है, जो पहले वाला है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको सेटिंग में ले जाता हूँ, अबाउट फोन, आपको मॉडल नंबर वगैरह दिख रहा है यहाँ पर। तो बैक जाते हैं, यहाँ से लॉक स्क्रीन पर जाते हैं, सॉरी पासवर्ड में जाना है, और यहाँ मोबाइल पर हमने पासवर्ड लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर पिन लॉक लगा रहा हूँ अभी। तो पिन लॉक मैंने लगा लिया है, इसके बाद मोबाइल को लॉक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। इसके बाद बैग आ जाना है, अब नेक्स्ट जाते हैं, स्किप दिस, नेक्स्ट, डोंट कॉपी। यहाँ पर जो हमने लॉक दिया था वो एंटर कर लेना है, जो पासवर्ड दिया था। तो ये देख रहे हैं यहाँ स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हमने स्किप कर लेना है। तो हमारे मोबाइल का जो FRP लॉक है वो अभी खुल चुका है, और अब मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं अभी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें।